Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. तो guys, आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग गए हुए थे बर्ड्स मार्केट, आपने जैसे हमारा व्लॉग देखा कल का, तो आज हम जो वहाँ से परिंदे और जो पेट्स लेकर आए, आज हम वो आपको दिखाएंगे। तो हम क्या क्या लेकर आए हमारे साथ देखें, बहुत ही खूबसूरत हैं, हमारे दिल के करीब हैं, हम आपको दिखाते हैं। बस दुआ करें हमारे साथ रहें और पले बढ़ें, और हम नेक्स्ट हो सकता है संडे को और भी लाएं। बिल्कुल आए, देखें हम क्या क्या लाएं, आपको इंतजार है तो आए आपको दिखाते हैं, देर नहीं करवाते। ये देखें हमारे छोटे छोटे रैबिट्स, देख सकते हैं रैबिट्स भी हैं, डग्स भी हैं। मैं करीब से दिखाऊं। गाइस ये देखें, ये लाल आंख वाले रैबिट हैं हमारे, और ये ब्लैक आई वाले रैबिट हैं। ये छोटे हैं, ये थोड़े बड़े हैं साइज में, और ये हमारी डग्स देखें कितनी क्यूट हैं। आज इनको पौंड में भी डालते हैं, धूप भी है, देख सकते हैं आप, मौसम सही है आज का। यार भाई कह रहे हैं इनको आज नहलाते हैं, बारिश का पानी पड़ा हुआ हमारे पौंड के अंदर, कल बारिश हुई थी तो इनको डालते हैं उसमें, देखते हैं तैरते हैं कि नहीं। चलो गाइस ये देखें, पहली बत्तख को मैं छोड़ के देखता हूँ। चल यार भाई, ये लूसन लेके आए, लूसन के पत्ते लाए हूँ, हमने रैबिट्स के लिए लाए हुए थे, वो खा गया। इतने खुश हैं यार ये उधर केज में बंद थे बेचारे, एक बंदे के पास उसने घर में केजेस में रखे थे, अभी देखें हम लोग यहाँ लाए, हमारे पौंड में कितना खुश है। ओए एक डुबकी डुबकी मारी उसने, वो देखो कहाँ से निकल रही है, डुबकी मार रही है ना। हाँ। वो वीडियो नहीं देखी आपने नेट पड़ी चली, जो शेर जो बत्तख के पीछे लग जाता है। हाँ। वो शेर और मगरमच्छ, वो बत्तख के पीछे लग जाता है तो बत्तख को छोड़ा होता उन्होंने, वो शेर जैसे करीब आता है पानी के अंदर चली जाती है, शेर इधर तो देख रहा होता है, वो फिर पीछे से निकलती है उसके, तो इसने वो हरकत की है। अच्छा पूरी घीली भी नहीं यार, वो देखो वो अंदर से होकर आ गए उसके पर खुश है, फिर मार गई शेर डुबकी से बाहर गई गई। अरे बिलाल इधर आया यार। अच्छा वो फीमेल है, ये फीमेल है। अच्छा ये गलती क्या कर दी पता है, येलो वाली फीमेल है। नहीं हमने गलती पता है क्या की, हमने दो मेल लिए एक फीमेल ली, दो फीमेल लेनी चाहिए थी। हाँ दो फीमेल लेनी चाहिए थी, एक मेल लेना। तो नेक्स्ट संडे जाके ले आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट संडे या फिर उसके बाद हम लोग जाके एक फीमेल और ले आएंगे इंशाल्लाह, है ना, दो जोड़े। अच्छा इनको बता देना, ये देखें ये जो येलो वाली ये फीमेल है, और ये जो जो ब्लैकिश ब्राउन टाइप है ये मेल है, ये मेल है, फीमेल ज्यादा मजे कर रही है। वो दो बड़ी भी इनके साथ होती क्या पता, ज्यादा मजा होता। लेकिन वो तैरती नहीं थी यार, वो भाग जाती थी, उनको हम पानी में डालते तो उनको तैरना ही नहीं, वो शुरू से ट्रेन नहीं थी ना, वो उनको हमारे दोस्त से खरीदी थी, उन्होंने इतनी सी लेके ना उसको पिंजरे में एक में रखा था, इतनी बड़ी हो गई, वो खराब हो गई ना, आप उनको पानी में डाले वो डरती थी ना, अंडे बच्चे कर रही, तो इसलिए हमने उनको सेल किया। हमारा दिल नहीं मान रहा था ऐसे, दिल रो रहा था लेकिन मजबूरी थी हमारी, वो दिल नहीं मान रहा था बत्तखें बेचने का। आपने अगर हमारा लास्ट व्लॉग नहीं देखा, देखें उसमें हमारी बत्तखें, और हमने सेल आउट की है, और दोबारा हमको एक बंदे से मिली भी वो बेच रहा था, तो जाके देखें हम लोग उसमें गए हैं बर्ड्स की मार्केट में कराची के अंदर, लियाकताबाद 10 नंबर, लालू खेत भी कहते हैं उसे, तो आप वो हमारे व्लॉग देखें, उसमें हमने काफ़ी सारे बर्ड्सों के रेट भी दिखाए और उनके बारे में बताया भी है, ग्रे पैरेट हैं, दूसरे जो ग्रीन वाले पैरेट होते हैं जिनके यहाँ नेक पे रेड निशान होता है वो वाले, और मुर्गियाँ मुर्गे काफ़ी किस्म के परिंदे, तो आप वो हमारा व्लॉग लाजमी देखें, इससे पिछला व्लॉग है हमारे चैनल में चले जाएँ, वो व्लॉग देखें, और उसमें आपको बर्ड्स का आइडिया भी हो जाएगा और मार्केट का रेट भी अंदाज़ा हो जाएगा, और आप वहाँ से अच्छे अच्छे बर्ड्स देख के ख़रीद भी सकते हैं, और अगर आपने आपको कुछ चाहिए हम भी बता सकते हैं, हम भी आपको लेकर भेज देंगे, अगर कोई बाहर भाई कराची से बाहर का हो हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। फिलहाल ये देखें आप, गाइस वो देखें सनान भाई ने बाकी बर्ड्स खोल दिए कमरे के अंदर, खोल दो उनको भी खोल दो। अभी हमारी गाइनिया फॉल अंदर ही है, टर्की बर्ड बाहर आ चुके हैं, बिलाल भाई के पीछे हैं, वो देख सकते हैं आप, और टर्की बर्ड हमारे जावा खुल गया, यहाँ हमारा वाइट मुर्गा इससे लड़ने आएगा, तो अभी इनको हम इसके आगे कुछ पर्दा डाल देंगे, पहले पिजन्स खुल जाए ना, वो पिजन्स भी खुल गए, सनान भाई आगे सड़ जाए, वो देखें खरगोश के पास हमारी काली मुर्गी गई हुई, उनको देख रही हाँ, तो
और भी चूजे भी जावा मुर्गा ये रहा रैबिट्स को देख रहा है, हैरान है ये कि ये कौन है। टर्की बर्ड्स हमारे, कबूतर हमारे, वो देखें। तो गाइस इनको भी हम लेकर आए घास में, वहां से कैच से निकाल दिया बाहर, और अभी इनको हम बाहर छोड़ते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करती है। स्नान में निकाले इनको बाहर, ओए कहाँ चला गया एक। हमको दरअसल चीलों का भी डर लगा हुआ है, श्रीहर भाई की तरफ दिखाएं, वो बीच ट्रैक में डंडा लेके खड़े हैं कि अगर चीले वगैरह आए तो उनको डंडे से भगा दें। वो घास खा रहा है वो, देखिए ये श्रीहर भाई व्हाइट वाला मुर्गा खोल रहे हैं, इसको हमने सुल्तान की वजह से बंद किया हुआ था, आएगा अब ये खाना खाएगा थोड़ा सा। वो देखें हमारी डक्स अभी तक अंदर ही है पानी के, बाहर नहीं आना चाहती। इनको लॉन में लाके रखूं? हाँ लाएं। ये देखें हसीन मौसम के बाद, काफी बारिशों के बाद, देखें हमारे जो पिजन्स हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, सारे के सारे ऊपर। मैं देखें केज में मेरे ख्याल से 1, 2 और 3 बैठे हुए, एक बेबी पिजन है और एक मामा पिजन है और बाकी सब ऊपर बैठे हुए ऐश कर रहे हैं, धूप लगवा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, जो हम बर्ड्स लेके आए हैं रैबिट एंड डक्स, तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अपने इसी पन के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।